Class 9, Lesson 1, Tales of Bhola Grandpa by Manoj Das. Bhola Dada ki kahaniya. Bhola Dada aur uski biwi hamare gaon ke magharibi kinare par rehte the. Ek bahut bade bokal ped ke saaye tale unki jhopdi thi. Bokal ped पर बंदरों का एक छोटा सा ग्रोह रहता था। भोला दादा और उनकी बीवी को उनसे कोई फिक्र नहीं थी। एक चांदनी रात को हम लोग किसी तकरीब से लौट रहे थे। रास्ता लंबा और धुंधला था। मैं गांव के चौकीदार के कंधों पर चढ़ा हुआ था। अचानक भोला दादा जोर से रोने लगे। हमारी ग्रोह का हर एक आदमी हैरान हो गया। हम लोग ठहर गए। पूछताछ से पता चला कि भोला दादा त्यौहार में अपने पोते को लेकर गए थे। उन्होंने जोर से लड़के की दो उंगलियां पकड़ी हुई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कब उनकी पकड़ से वो उंगलियां निकल गई। भोला दादा पहले की तरह चलते जा रहे थे। तभी किसी ने भोला दादा से पूछा कि वो क्या पकड़े हुए थे। उन्हें उनका पोता याद आ गया और उनकी जोरदार रुलाई निकल पड़ी। मेरे वालिद ने हमारी ग्रोह से दो तेज नजर वाले आदमियों को चुना भोला दादा के साथ त्यौहार वापस जाने के लिए। जल्द ही पोता को ढूंढ लिया। वो एक गाय के पेट के नीचे आरामदायक जगह में था। भोला दादा से जुड़ी एक और मजेदार वाकया मुझे याद आती है जो मेरे वालिद से ताल्लुक रखती है। एक बरसात का दोपहर था। भोला दादा जोश से बदहवास थे। मेरे वालिद और उनके दोस्त अहबाब बताते थे कि वो लुटेरों का एक ग्रोह देखे थे। वो लोग हमारे गांव के पास समुंदर के किनारे एक बालू के टीले के नीचे एक बड़ा सा बक्सा दफन कर रहे थे। फौरन ही मेरे वालिद और उनके दोस्त खुफिया खजाने की तलाश करने लगे। शाम से रात हो गई। बादलों से होकर चांदनी बिखरने लगी। सैयारों का कोई झुंड वाह कर रहा था। यह आधी रात से ज्यादा का वक्त था। इसी वक्त भोला दादा ने इकरार किया कि यह कोई असली खजाने की बात नहीं थी। यह बस एक ख्वाब था जिसे उन्होंने अपने दोपहर की झपकी के दौरान देखा था। एक बार सुंदरबन में भोला दादा के साथ एक बड़ा ही हादसा भरा वाकया रोनुमा हुआ। इन दिनों सुंदरबन के घने जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर शेर आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। खासकर सूरज के गुरूप होने के बाद लोग जमात या ग्रुप में इधर उधर आते जाते थे। एक दिन शाम के वक्त भोला दादा हफ्ता के बाजार से लौट रहे थे। अचानक भोला दादा को अपने पीछे तकरीबन 5 गज की दूरी पर रॉयल बंगाल टाइगर ये शेर के होदहट सुनाई पड़े। भोला दादा पलटे और उन्होंने देखा कि एक शेर एक टक नजर उनकी तरफ किए हुए था। भोला दादा फौरन पास के एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। शेर दरसता रहा और तकरीबन 100 बार उसने पेड़ का चक्कर लगाया। उसके बाद बगैर उनके ऊपर से नजर हटाए वो एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। रात के आने से जंगल अंधेरा और खामोश हो गया। भोला दादा सूखे पत्तों पर शेर की दुम पटकने की आवाज सुन सकते थे। घंटों गुजर गए। फाख्ता की गुटरों के साथ सुबह हुई। भोला दादा नीचे उतरे। दूर पर एक टीले पर आदमियों का ग्रोह था।
भोला दादा टीले पर चढ़ गए और जो आदमी उन्हें सबसे पहले दिखा उससे उन्होंने कहा कि पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा। आदमी ने शेर इंतजार करते हुए देखा था, वो बहुत चकराया हुआ था। आपका वो राज क्या है कि आप भूखे शेर के बगल से गुजर कर आ गए और उसने कुछ भी नहीं किया? उसने भोला दादा से पूछा। शेर अपने जिस्म को फैला रहा था और अंगड़ाई और जमाई ले रहा था। तभी भोला दादा को शेर याद आया और उन्होंने उसकी तरफ देखा। डर से भोला दादा तकरीबन बेहोश हो गए। वो दौड़कर वापस चले गए। आधी सदी के बाद एक सुबह 95 साल की उम्र में भोला दादा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी 80 साल की बीवी काफी उदास हुई। आह भरते हुए उन्होंने कहा, जरूर बूढ़ा आदमी सांस लेना भूल गया होगा।